तो इन दिस मिड्यूल वी विल लर्न अबाउट द कंडीशंस कि जो ज़रूरी हैं टू गेट मैक्सिमम वेलफेयर आउट ऑफ कस्टम यूनियंस तो सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज़ द हायर द रे द हायर द प्री यूनियन ट्रेड बैरियर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर एक कंट्री उस कंट्री के साथ कस्टम यूनियन फॉर्म करती है जिसके साथ ऑलरेडी टैरिफ रेट्स काफ़ी कम हैं तो उसका एज सच उस कंट्री को फ़ायदा नहीं होगा फ़ायदा तभी होगा ज़्यादा कि जब उसके साथ वो ट्रेड करे जहाँ पे आपके पास टैरिफ रेट हाई है इस चीज़ को हम लिंक कर सकते हैं टू तो पर्टिकुलर डायग्राम जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेड डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था यह ट्रेड क्रिएशन का कॉन्सेप्ट पड़ा था इन बोथ डायग्राम्स वी अप्लाइड आलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एडवलरम टैरिफ ऑन बोथ द कंट्रीज एंड देन ट्रेड कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म विद वन ऑफ द कंट्रीज तो उस केस के अंदर अगर टैरिफ रेट हाई हैं तो तभी कंट्री को फ़ायदा हो सकता है uh, जब वो कस्टम यूनियन बनाए उस कंट्री के साथ तो so, पहली कंडीशन ये है एंड देन सेकंड कंडीशन जो अगर होती है पूरी तो ये बेसिकली uh, uh, बड़ा फ़ायदा देती है वायल फॉर्मिंग कस्टम यूनियन टू द कंट्रीज़ वो ये है कि अगर एक तो वो कंट्रीज जिसके साथ आप कस्टम यूनियन फॉर्म कर रहे हैं उनके साथ आपके टैरिफ रेट्स हाई होने चाहिए एंड देन अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपके पास कस्टम यूनियन uh, नहीं बनी हुई तो आपके जो टैरिफ रेट हैं अगर वो लो हैं तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो कस्टम यूनियन फॉर्म कर रही है कंट्रीज़ उसको होगा क्योंकि उन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ आप ट्रेड अब कस्टम यूनियन फॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर होगा इस चीज़ का कि जो दूसरी कंट्री है जिसके ऊपर कस्टम सपोज एक नेशन पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान यूएसए के साथ कस्टम यूनियन फॉर्म करता है स्पोज़ हैपन बिकॉज वी आर वेरी फार टू वीच अदर तो सपोज़ हम ये करते हैं यह इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान इंडिया के साथ कस्टम यूनियन फॉर्म करता है इस केस के अंदर हमारे जो दूसरा कोई कंट्री है सपोज़ बंगलादेश है उससे हम लोग कोई चीज़ मंगवा रहे हैं एज्यूम्ड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ की और हम इंडिया के साथ कस्टम यूनियन फॉर्म करते हैं जहाँ पर जो है वो जो कमोडिटी है वो हमें वन की मिल रही है अगर हम उससे टैरिफ रिमूव करते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले मेड्यूल्स में कुछ डिस्कस किया तो इस केस के अंदर क्योंकि प्राइसेस नज़दीक नज़दीक हैं इंडिया के साथ हम लोगों ने टैरिफ रिलैक्स किया तो आपके पास प्राइस बनी 120, ट्वेंटी बांग्लादेश के साथ हमारी विदाउट इंक्लूडिंग टैरिफ अमाउंट है 150। तो वो जो 30 का गैप है इट विल क्रिएट कंपटीशन अमंग द नेशंस तो वहाँ पर uh, जो कंट्रीज़ हैं वो एक कम्पटिव इन्वामेंट में आती हैं तो एज वी डिस्कस्ड एज वी लर्न इन माइक्रो इकनॉमिक्स के जहाँ पे भी मार्किट्स uh, में कंपटीशन आता है दैट ऑलवेज हेल्प्स टू द नेशन और टू सम समक्सटेंड कंज्यूमर इन माइक्रो इकनॉमिक एरीज तो यहाँ पर uh, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कंडीशन का कि उन कंट्रीज़ जिनके साथ आप कस्टम यूनियन फॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट उनके साथ टैरिफ हाई और एट द सेम टाइम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ टैरिफ लो होने चाहिए देन अगर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अगर कंट्रीज़ uh, का साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे आपके पास कस्टम यूनियन हमेशा फ़ायदा देती है uh, इसकी रीजंस हम लोग uh, पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कस्टम यूनियन फॉर्म करते हैं तो आप अपने रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे अगर कंट्रीज़ uh, अपने रिसोर्स की तरफ जाती हैं कस्टम यूनियन फॉर्म करती हैं तो आपके पास जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की तरफ जाते हैं देन आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाते हैं वहाँ पे फिर आप uh, जो है वो uh, दोनों कंट्रीज के लिए कंपेटिव इन्वामेंट क्रिएट होता है फिर टेक्नोलॉजिकल uh, जो है वो इनोवेशनस uh, होती हैं टू सम एक्सटेंट तो इस केस के अंदर लार्जर द कंट्रीज लार्जर द रिसोर्स और अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इसी से लिंक्ड है कम्पटिव इन्वामेंट अगर सपोज़ दो कंट्रीज़ कंपेटिटिव हैं तो उनके दरमियान कस्टम यूनियन का फॉर्म होना फ़ायदेमंद होता है फॉर बोथ द कंट्रीज़ अब इसकी एग्जांपल इस तरह देख लें कि अगर सपोज़ एक एग्रीकल्चर कंट्री है और दूसरी जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्री है अगर इनकी कस्टम यूनियन फॉर्म हो तो दोनों जो कमोडिटीज़ हैं वो कम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ हैं दैट मीनस आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्श प्रोडक्शन के अंदर बहुत सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं अब अगर स्पेशलाइजेशन होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा और जो इंडस्ट्री वाला है या थोड़ा सा इंडस्ट्रियल कंट्री है वो इंडस्ट्रियल के अंदर स्पेशलाइजेशन करेगा या रिसोसिस को अपने ऑप्टिमली यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे फिर मार्केट इम्परफेक्शन आएंगी वहाँ पे आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो कंपेटिटिव नहीं रहेगा इन कंट्रास्ट टू दैट अगर हम एक ऐसा केस देखते हैं जहाँ पे दोनों ही इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं देन वहाँ पे आपके पास एक कंपेटिटिव इन्वामेंट आएगा दोनों कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर होंगे दे विल ट्राई कि वो कम प्राइस के ऊपर चीज़ को बनाएं, क्वालिटी इम्प्रूव करें देन उसके बाद टेक्नोलॉजी uh, बेहतर से बेहतर लाए क्वालिटी uh, के साथ टेक्नोलॉजी एंड देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लाइड करें क्योंकि उनको पता है कि अब वो ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर रहे हैं बल्कि उस डिमांड को भी पूरा कर रहे हैं जो आपके पास जिस कंट्री के साथ उस कंट्री के कंट्री uh, का कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ है तो इन दैट केस आपके पास ओवरऑल uh, दोनों नेशंस के जो प्रोड्यूसर हैं वो मोर कंपेटिटिव होंगे प्राइसेस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा कंज्यूमर भी फ़ायदा उठाएंगे ओवरऑल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी एंड देन आप आउटसाइड कस्टम यूनियन जो है वो चीज़ों को एक्सपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे दैन एक और चीज़ है जो uh, अगर कंडीशन फुलफ़िल होती है तो कस्टम यूनियन विल बी सक्सेसफुल दैट इज़ जोग्राफ़िकली जोग्राफ़िकल लोकेशन अगर दो कंट्रीज जिन के दरमियान कस्टम यूनियन फॉर्म हुई है अगर वो ज्योग्राफिकलीब करीब लोकेटेड हैं लाइक हमने नैफ्टा का केस पढ़ा उस केस के अंदर या यूरोपियन यून का केस पढ़ा नैफ्टा के अंदर आपने पढ़ा यूएस ए कैनेडा एंड मैक्सिको तो वह बड़े करीब करीब लोकेटेड हैं दैन अगर आप यूरोपियन यून का सक्सेसफुल केस देख लें तो वहाँ पे कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो आपस में मिली हुई हैं तो वहाँ पे सबसे जो बड़ा फ़ायदा उनको होता है वो इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जो रिडक्शन है तो वो जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली प्राइसेस के ऊपर भी फैक्ट डालता है तो अल्टीमेटली अगर कंट्रीज़ uh, एक दूसरे के करीब हैं तो वहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा भी आपके पास और बहुत सी इकोनॉमीज मिल जाती हैं आपको अगर आप जोग्राफिकली करीब लोकेटेड हैं देन अगर कस्टम यूनियन उन दो कंट्रीज़ के दरमियान फॉर्म होती है जिनके ऑलरेडी अच्छे टर्म्स हैं uh, चाहे वो इकोनॉमिक हो uh, चाहे uh, एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ दैट इज़ पॉलिटिकल वो भी टू सम समस्टेंट बड़ा इसके अंदर इफेक्ट करते हैं इफ़ यू सी दैट तो आपके पास पोलिटिकल uh, अलाइंस uh, होता है कंट्रीज़ का जब तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे यूरोपियन यूनियन है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की तरफ जाते हैं तो अगर उनकी माइंड uh, मिलते हैं उनकी सोच मिलती है उन कंट्रीज़ की कल्चर मिलता है एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ अफेक्शन है इट इट मे बी रिलीजियस इफ़ेक्ट अफेक्शन तो उस केस के अंदर आ, कस्टम यूनियन जो है वो बड़े बेहतर तरीके से काम कर सकती है